हम कॉल कर रहे हैं। सात बजे था बहुत पतली तो क्या करेगा अभी अभी विजिट कर अभी विजिट कर अरे वो तो शाम को 4 बजे होने से जाएगा। चलो सर सर को लाइव करो। लाइव तो हो रहा है इधर सामने। आज हम लोग क्या करने जा रहा है क्या करने जा रहा है? फुटसल टूर्नामेंट। फुटसल कॉम्प्लेक्स। फुटसल कॉम्प्लेक्स। हाँ फुटसल टूर्नामेंट। आपका नाम क्या है? तार सुंपा। तार सुंपा। सुंपा का मतलब क्या होता है? सुंपा का मतलब पता नहीं मम्मी पापा रखते हैं। हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? हम कॉलेज जा रहे हैं। आप वहाँ से आ रहे हैं गले में देखो क्या नाम है? सर जोनिया। हाँ जोनिया ये थोड़ा आता है ले लो ना। ये कॉलेज जा रहा है जोनिया। भाई जो है देखने में जितना सुंदर है दिल भी सुंदर है और जो भी इसको देख रहा है ये हमारा भाई को ब्लेसिंग दो एक अच्छा नागरिक होने के लिए बड़ा आदमी होने के लिए ना। आपका पिताजी बड़ा है बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं। बड़ा नहीं है तो आपका अभी एक चांस है आप बड़ा देता होने के लिए ना। बड़ा देता होने के लिए बोलो मेरा सर। मैं कसम खाता हूँ हाँ मैं एक बड़ा देता होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक बड़ा देता होने के लिए मिर्जू मत बोलो। हाँ अभी कोशिश करो। चलो ठीक अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं इसका इसका क्या नाम है? क्या है यानू का मीनिंग क्या है? जानू और सुनता का साथ है हमारा लाइव वीडियो हमें चलता है। हम जहाँ जाते हैं लाइव वीडियो चल रहा है। बाद में देख लीजिए से पूरा लाइव वीडियो ही है। हम जहाँ भी चलते हैं ऐसे करते हैं इसे भैया थैंक यू भैया चलो में कभी काम नहीं आएगा। अपना हस्बैंड को भी एक्सपेक्ट में अपना दोस्त भी मिस हो गया इसलिए जिंदगी में आशीष इधर सामने आओ। ये मेरा बहन क्या तारसुंपा तारसुंपा को मैं यही एडवाइस दे रहा है। अभी एक कैमरा मैन को ढूंढ रहा है कैमरा मैन है ही नहीं है। लाइफ ऐसे होता है हर कदम में ऐसे ही होगा। और लेकिन एक अननोन आदमी आपका मसीहा बन के आएगा जिसको आप नहीं जानता है वो आपको मसीहा बन के आपको हेल्प करेगा। पर ऐसे नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं ये बात नहीं है कि आप अपना आदमी को हमेशा दूर रखना है। ये आपका फर्ज है इसको आप जितना मदद कर सकते हैं करो। एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल
एंजाइटीज। उसके बाद आजकल 90% यूथ लोग क्यों एंजाइटीज है, एक्सपेक्टेशन का वजह से। एक्सपेक्टेशन नहीं आता है तो वो एंजाइटी होता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो जाता है, दारू पीना शुरू करता है, ड्रग खाना शुरू नहीं क्या। इसलिए ये फ्यूचर में हम क्यों शामिल होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो अपना फिजिकल ठीक होता है तो मेंटली इमोशनली ठीक होता है। मैं इसलिए ये इसको इन लोग का साथ शामिल होता है। अभी 3 बजे में खेल है, 4 बजे में खेल है, फिर भी मैं अभी इस समय क्यों आया, इसलिए आया है कि मैनेजमेंट लोग बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो शॉर्टफॉल होता है ना भाई, गलत बोला है। आप कहीं भी जाओ, गाना गाने के लिए प्रोग्राम में रखता है सिंगर जो है और माइक बनाते रहेगा, होता है कि नहीं, ढूंढते रहता है सामान ठीक नहीं है, नहीं है। गाना डांस करने वाला लोग इसको तरफ पकड़ दो, एकदम लाइव वीडियो है तो ये होता है ना। मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो, अगर मिस हो गया तो आज शाम को 10 times फिर रिपीट रिपीट करके सुनो, हम क्या बोलें, चूल पकाए कि नहीं पकाए, हाँ तो कैसे पकाए, ये सब चीज को सोच सोच के पकाए ना भाई, गलत बोला है क्या, नहीं सही, उधर से गलत बोला है तो वहाँ से दाव पे तो नहीं। क्या करेगा, पेट्रोन होने से भी गरीब पेट्रोन है, कना को का इसलिए ना मैनेजमेंट जो है ना, ये मिनट मिनट में और जो सीक्वेंस का साथ में होना है, डांस करना है, डांस करने वाला रेडी नहीं होता है नहीं क्या, आदमी तो थोड़ी इंतजार करते रहेगा, बहुत तकलीफ नहीं लगता है। सिंगर जो है भाषण देना शुरू कर देता है, कोई ना तुम्हारा भाषण सुनना है, भाषण देने के लिए लीडर लोग है ना, सिंगर है उठाओ माइक लगाओ सर शुरू कर दो ना, मेरा गला थोड़ा आज थोड़ा ठीक नहीं है, दारू रात को पिया था करेगा नहीं, अच्छा लगता है दारू है ठीक नहीं तो क्यों गा रहे हैं, मत गाओ नहीं भाई गलत बोला है क्या, नहीं नहीं सही है सही है। तो ऐसे इसलिए आज या एडवांस आया है देखने के लिए कि भाई लोग का अरेंजमेंट कैसे है ना, तो बाद में प्रॉब्लम का समय में नहीं आने चाहिए, कोई बात नहीं लगता है बना के पीना था राइस को, थोड़ा टेस्ट करेगा, मैं तो बोलता हूँ मेरा बात को पब्लिक को गलत साबित करने को दो, हम क्या बोला है गालों लड़की लोग खाना अच्छा से बनाए नहीं बोला है, और जो हम मेरे दे उसको हम बोला है कि गालों बात करो ये क्या क्या हो रहा है, अरेंजमेंट को बता दो, उधर जाओ पूरा ग्राउंड में घूम के जाओ ठीक है। मैं यहाँ पे अभी हमारे साथ में तालुप्रथम सर यहाँ पे हमारे CCFTC के पेट्रोन के रूप पे आए हैं एडवांस पे, मैं यहाँ का CCFTC के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पीसा राधे यहाँ पे आप लोग को एडवांस में ग्राउंड का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, एडवांस में अरेंजमेंट। दिस इज आवर अरेंजमेंट फॉर द प्रोग्राम, द प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM। सो आप सब लोग यहाँ पे आइए और प्रोग्राम पे विटनेस कीजिए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम पे
बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, पॉलिटिशियन लीडर्स और सभी पब्लिक लीडर्स आ रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि शाम को जैसे भी सब अरुणाचल के लोग प्रोग्राम पे आए और फुचल प्रोग्राम के आनंद लीजिए। ओके, तालोपतम सर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि प्रोग्राम के इस फुचल ग्राउंड के अंदर जाके ही मुझे ये व्यू को दिखाना है, तो सर के बात में टल नहीं सकता। सो मैं यहाँ पे सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। द लोकेशन इज एट इवोनरी ग्राउंड। ये इवोनरी ग्राउंड है जो कि जुलंग, आप सभी ये इवोनरी ग्राउंड से काफ़ी होंगे। जुलंग इवोनरी ग्राउंड यहाँ पे यू नो ऑपोजिट टू रेसिडेंस ऑफ हाथातू, इसके ऑपोजिट पे ही यहाँ सेंट्रल जेल के सामने ही पड़ता है। यहाँ पे आज हम लोग के प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट बाय 3 PM इट विल बी स्टार्टिंग। सो यहाँ पे आप सब लोग देखिए, हम लोग ने यहाँ पे अभी लगभग 1 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट कर रहा है। देख सकते हैं आप सब ऑडियंस के लिए, आप सब गेस्ट के लिए हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे आके विटनेस कीजिए। आज हमारे यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होंगे जो कि 16th ऑफ आज दिसंबर है, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी है। सो द ओपनिंग सेरेमनी पे हम लोग के 1st ऑफ दिसंबर पे हुआ था। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव वीडियो चल रहा है। तो सभी अरुणाचल से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारे कमेटी मेंबर नाकेक बागी जी, कन्वेनर CCFTC और ये कुछ कराने के लिए AGS क्या मांग नाबम रुजा जी, ही इज नन अदर देन, प्लीज डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेल्थ सेक्रेटरी, हाय, ये बैनर लगाने में बिजी है अभी रुजू चादर जी। तो यहाँ पे हमारे सर के देखिए बॉडीगार्ड्स लोग भी आए हैं, ये देख सकते हैं आप सब लोग, मोमेंटोस एंड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अरेंज। यहाँ पे देखिए हमारे सर बिजी है, शायद मेरा हिसाब से अभी कोई प्रोग्राम से अटेंड करके आए हैं। He is here to, you know, he came in advance to encourage us. So, this is the details of our tournament. Now I am heading towards our DC capital, IS, Talopatom sir. So hope that you all will witness our program and will attend sharp by 3 PM. We have balloons and you know, यहाँ पे गेट बनाया गया है। तो दिस इज आवर तालोपतम सर, मिस्त्री को मिला है, ये मिस्त्री को हम नंबर दे देगा, आपका नंबर 6969906086 8600, आपका नाम है सोनू कुमार शर्मा। तो आप इन नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आप फिर फोन को चेंज
और नंबर है नहीं, ये नंबर में आप कॉन्टेक्ट करेगा, आप लेबर दे हंसते हंसते करके। हाँ, एक दिन हम ऐसा करेगा कि आप कोई पूरा अरुणाचल ईटानगर का जो भी लेबर है आपको दे देगा, आप करोड़पति हो जाएगा। अब जैसे हम लोग भी काम करते हैं ना, अभी लेबर जो हम चलाता है, अब तो लेबर दे दिया, लेबर जो काम करता है उसको जो काम होने के बाद फाइनल काम हो जाता है लोग का जो, तो फाइनल जो बता है ना हम लोग काम करते हैं। नहीं नहीं, हम देगा ना पुलिस और मजिस्ट्रेट, हम लोग पुलिस डीसी करा करके पेमेंट दिलाएगा आपको। अब जिसको लेबर देगा ना वो पेमेंट नहीं देगा, उसको तो हम अरेस्ट करेगा, समझ लिया? जरूरत आने से आपको एडवांस देगा, आप भागना नहीं लगेगा। आपका नाम डालेगा सर, कलर नहीं मिलेगा सर से ये प्रोग्राम यार करने के लिए जाना पड़ेगा। पहले जमाना ने आशीष, तुम कितना इतना देर का था क्या? अच्छा, मेरा कमेटी मेंबर एक बार सर के साथ आ जाए। नहीं, ये भाई क्या नाम है? बेटा बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम पिसा आनंद है। हाँ, ईसा आनंद है, मेरा नाम भी बचपन से आनंद है, मैं भी आनंद हूँ और आनंद ही रहना चाहिए। आज ये कमेटी है यहाँ जो काम कर रहे हैं ना, तो ईसा आनंद जो ऐसे करने नहीं आता है, तो ऐसे होने से ये प्यार का सिंबल है। जीसस भी प्यार के लिए आया था, सब भगवान, कृष्णा भी, आप लोग कितना प्यार करता था वो राधा को ना, तो ऐसे है। तो ये प्यार का सिंबल नहीं करेगा तो आप कहाँ से आपके प्यार मिलेगा? वो पहले जमाना में हम लोग का ये होता था जबरदस्ती, देखो ये डिजिटल कैमरा अभी आया तो मैं इनका ही लेक्चर दे रहा था। जिंदगी में ना उम्मीद मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, दुखी का कारण ऐसे ही होता है एक्सपेक्टेशन का, समझ रहा है? आप दोस्त से एक्सपेक्ट करता है कि, और अपना माँ पिताजी से, रिलेटिव से एक्सपेक्ट करता है, नहीं हो तो वही एक्सपेक्टेशन का वजह से। हाँ ना, दुखी का कारण क्या है? किसी को उम्मीद रखता है ना, किससे प्यार मिलेगा, किसी से हेल्प मिलेगा, इससे दुखी होता है ना। आपका जैसे हार्डवेयर है, आप सामान बेचेगा होगा बोल के, बेच दिया है तो पैसा मिलेगा, तो नहीं होता है तो आप सोच सोच के मेरा जैसे डायबिटिक्स हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ बैठे ना, कहाँ जगह है, समझ गया? तो इसलिए हाँ चलो आइए दुकान में, सकते हो? हाँ चलो, यहाँ भिजवा दीजिए ना, बना सकते हैं आप, बना रहेगा? बना देगा, अरे हम बना देगा, बना के दीजिए है ना, यहाँ से एक बिना चीनी बिना चीनी का दूध का ना लाल चाय इधर ही बन रहा है बोलता है, लाल ना दूध का नहीं, इधर बन रहा है चाय यहाँ बनी। आप यहाँ पीके जाइए, आप ही पीके जाइए सर का साथ में। हाँ, जिंदगी में इसलिए दुखी होता है, अभी इतना दूर से आया ना, तो मैं आज करता हूँ, सुबह से आज कर रहा हूँ, कब सर आए मुलाकात करूँ बोल के। सर एडवांस में आपका दुकान में, एडवांस 3 बजे का प्रोग्राम था ना, आपका दुकान में फोटो खींचेगा, ओ बहुत बढ़िया, और दिल खुश हो जाएगा, दुखी हो तो सुखी हो जाऊंगा। ट्रेडिंग लाइसेंस तो है ना, नहीं होने से आपसे ले लेंगे क्या? चीनी डाला है, चीनी डाला है, ये लाइव वीडियो चल रहा है सर, लाल साहब बना देगा बढ़िया, लौंग मिला के डाल के, अदरक बिना चीनी का, बिना चीनी का। हमारे यहाँ पे कैपिटल कम्प्लेक्स का जी सी 7 सालों प्रथम सर, आप सब इसे फेमस होगा, फेमिलियर है, जो कि अरुणाचल का यू नो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफिसर है जहाँ तक हम सबको मालूम है। तो मैं तलोकुतुम सर का साथ, ऐसे तलोकुतुम सर हम लोग का पेट्रोन है,
सीसीएटीसी दैट इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स फुटसल टूर्नामेंट कमिटी। तो इस हिसाब से मैं जी यहाँ का जनरल सेक्रेटरी पीसा राधे के हिसाब से तौर पे आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज शाम आप लोग 3 PM से जैसे भी प्रोग्राम को बिजनेस करने के लिए आए यहाँ पे, जो कि आज फुटबॉल का टूर्नामेंट फाइनल टूर्नामेंट होगा, एट द सेम टाइम कल्चर प्रोग्राम एंड इवेंट्स भी होंगे। तो सर लोग भी 4 बजे को यहाँ फिर से आएंगे। तो आप सब प्लीज अरुणाचल के भाई और बहनों सभी यहाँ पे आना। थैंक यू। सर को सर का तो हम बहुत बड़ा फैन है, हम फेसबुक में देखते रहते हैं, आप रूल्स भी हम लोग फॉलो करते हैं। सर का सर जो फोटो आपको लड़का मिलेगा, आपको लड़का मिलेगा ना आजकल क्या लड़का मुश्किल है भी खराब हो जाता है। नहीं भाई, अच्छा होके भी खराब हो जाता है। नहीं क्या नहीं भाई, मानता है कि नहीं मानता? अच्छा होके भी खराब हो जाए नहीं होते। लेकिन शादी करना है तो आप लोग को एक एग्जाम्पल एक बार बताएगा। शादी करने से पहले ना लड़का को या कोई भी लड़की होने से भी मेडिकल टेस्ट कराना, क्योंकि अभी यहाँ में मैं जब कोविड हुआ है ना, ड्रग्स करने वाला लोग पूरा इंजेक्शन एक कॉमन सीरीज से दिया। अभी एच बीमार बहुत लोग का है। अभी तुम कैसे मालूम होगा कि वो जो लड़का या लड़की जो है बीमार नहीं है? ठीक है, तो इसलिए करप से नहीं बोलना है, अच्छा से बोलना है। चलो हम दोनों एक साथ टेस्ट करेंगे ना, खास करके ये हेपेटाइटिस हो गया, एड्स बीमार हो गया, ये सब करना। जब टेस्ट अच्छा होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है भाई, अरे ध्यान से सुनो भाई, सुन रहे एकदम दिल में, शादी नहीं हुआ है ना अभी तक, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट हो गया मेडिकल टेस्ट, सेकेंड में क्या करना है, लड़की या लड़का का घर में देखना है, एटलीस्ट 2-3 महीना देखना है, रूम में एक साथ देखना है। प्रॉब्लम क्या होता है भाई, आप हंस रहे, असली बात बता रहे सर, आपको कभी कभी लाइट जो है ना जल्दी ऑफ करके सोने दिलाते हैं ना, आपका पार्टनर जो है बोलेगा लाइट अभी बंद मत करो, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो एक हो गया। दूसरा है सोने का समय कंबल ना, आप कंबल उड़ेगा बोलेगा, वो बोलेगा कंबल नहीं उड़ेगा, गर्म लगता है बोलने से, झगड़ा होगा कि नहीं होगा ना? समझ में आया? समझ में। तो ये सबको छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये सब चीज देखना है। वहाँ से एक बार शुरू हो गया ना वो जिंदगी भर झगड़ा होते रहे, तो इसलिए वो सब घर का अंदर का काम है। जैसे पंखा लगाएगा बोलेगा, तो वो बोलेगा नहीं पंखा मत लगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा नहीं होने से भी तो तकलीफ तो होगा, एक को नहीं होगा तो एक दूसरे को जिंदगी भर तकलीफ देके कैसे शादी करके बीतेगा? तो इसलिए आपको रूम में 1-2 महीना सो के कभी, क्योंकि लड़की भी नकल एक्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, लड़का भी कर सकता है ना भाई, तो असली पकड़ने के लिए 1-2 महीना तो जैसे भी सोना है ए तो क्या होगा, तो मालूम हो जाएगा कि असली क्या है। अगर वहाँ में पास हो गया, इसको हम बोलते हैं पार्ट 2, ध्यान से सुनो ना, तो पार्ट 2 में क्या है, किचन में जाना है। आजकल दिन देखो मेरा सब बचा लो आप लोग, तो ये देखो ये आज भी देखो ना, ये फ्राइड राइस, इसको बोलता है फास्ट फूड, नहीं क्या फास्ट फूड का अंदर में फ्राइड राइस आता है, KFC का खाना खाएगा नहीं क्या, और कोरियन वो जो नूडल्स खाएगा या मैगी खाएगा, ये सब होता है। कोई कोई लोग बोलेगा लाई पत्ता अच्छा नहीं है बोलेगा, हाँ कोई फ्राई अच्छा नहीं बोलेगा, कभी बॉयल अच्छा नहीं हो,
तो किचन में पार्ट टू में देखना है कि खाने पीने का चीज में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग को अच्छा से बॉयल होने से भी अच्छा से बना के खिलाते हैं ना, हम लोग का बस्ती में सिर्फ मीट को डालेगा, नमक डालेगा, मिर्चा डालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेट को डालेगा है मरे, लेकिन वो लोग तो बहुत कुछ बनाते हैं। एक चिकन को कम से कम 20 आइटम जैसे बना देगा, सुना है, सुना है ना बोलो ना, सोनी रीराम बोलो सोनी नहीं, 20 आइटम चिकन का 20 आइटम तुम बना सकेगा? मेरा बहन है वो नहीं बोल दिया, तो हमको कोई लोग ट्रोल करता है कैसे बोल सकता है इसे? नहीं ना, सच बात हम बोलते हैं। तो इसलिए किचन में पार्ट टू में अगर लगता है कि आपको खाने पीने में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो तभी भी बोल देना है सॉरी, हम लोग तो जिंदगी कैसे कटेगा, नहीं होगा वो। अगर इधर में पास हो गया, पार्ट वन पास हो गया रूम में, पार्ट टू किचन में पास हो गया, पार्ट थ्री में वो लड़की का माँ पिताजी का घर में एक दो महीना देते हैं, तो लड़का का माँ पिताजी को घर में भी एक दो महीना देते हैं, तब उसमें एडजस्टमेंट को देखना है ठीक है कि नहीं, क्योंकि हरिंग लोग चलता रहे, हम हरिंग में भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग ट्रैवल में तो आप शादी किया तो आपका रिलेटिव लोग भी तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, नहीं है क्या? तो वहाँ में रिलेटिव का साथ एडजस्ट होता ही नहीं है, वो देखना पड़ेगा पार्ट थ्री। तो पार्ट फोर फाइनल में क्या होता है कि शादी शुदा हो जाता है, ये कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद क्या होता है मिस्टर जो है, थैंक यू दे हमको और एक चाय जी आ रहा है, नहीं इधर से ना, नहीं लाल था वो देते हैं सर के लिए, मैंने से नहीं कहना इसलिए नहीं, दो बूंद डाल दिया, बहुत अच्छा है, ऐसे देगा तो हम दिल्ली आएगा, दिल्ली आइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा है, तो पार्ट फोर में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहन बेतो तुम बाद में देखो, मेरा बात तो ध्यान से सुनो, मिशन में क्या बोलता है निरुंग तमा तकुंग रुंग, क्या बोलता है तकुंग, एक क्यों ये तकुंग क्या है, बात नहीं सुनने का कारण से वो पत्ता जो ऐसे चिंता है बोला ना, तो भैया का बात ध्यान से सुनो, फाइनल बात, फाइनल बात में आप जिस लड़का को शादी करेगा या कोई किसी लड़की को शादी करेगा उसका फ्रेंडशिप सर्कल को देखना है, आप दोनों मिस्टर मिसेस बोरिंग हो जाने का बात तो क्या करेगा, मिसेज भी अपना दोस्त को बात करेगा, फोन करेगा, हेलो हाय कहाँ में आज हम बोरिंग है बोले, उधर जाएगा, लड़का भी बोलेगा अरे आज तो आप लोग कहाँ है, हम तो आज बोरिंग है चलो कहीं जाएगा, तो क्या होगा वो उसका कंपनी को देखना है, बाद में दुखी का कारण वो भी हो सकता है फाइनल। हाँ तो इसलिए उन लोगों का शादी जानना है, जानने का बात ये सब कुछ हो गया तो शादी पार्टी नहीं होने से भी होगा, दोनों डिक्लेयर करो, अनाउंसमेंट करो, जैसे वीडियो बना के बोल दो आज हम दोनों शादी हो गया, हाँ समाज मानो या ना मानो हम दोनों शादी हो गए, तो कही फाइनल हम क्यों क्यों खुला, लास्ट में ये मेरा यही है कि अगर शादी फेल हो गया तो क्या करेगा, तो आप हमको क्वेश्चन पूछेगा सर हमारा तो हर आदमी का साथ एजाज करके देखा है शादी नहीं हुआ है, मेरा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अभी हम देते हैं, सोल्यूशन ऐसे है कि लड़की तो बहुत आसान सोल्यूशन है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया कि आप बिना शादी करके भी आप क्योंकि मेन चीज़ है कि हम फ्यूचर में हमारा लग रखवाला क्या करेगा, मेरा अपना बच्चा होना पड़ेगा है भाई भाई, तो उसके लिए लड़की के लिए तो कि आप अपना बच्चा बना सकते हैं, नहीं चाइना का चाहिए और रशियन का चाहिए वो भी हो सकता है, और अरुणाचल का है तो आप लीसी चाहिए, अपतनी चाहिए, लोम्बा चाहिए, छोटा चाहिए, सफ़ेद चाहिए, काला चाहिए, सब तरह का सीट मिल जाएगा, लड़की कितना आसान है, लेकिन लड़का के लिए प्रॉब्लम होता है, लड़का तो एक लड़की को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट एक साल रख के हमको जन्म, तो पैसा भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है ना, तो क्यों इतना तकलीफ झेलेगा ना शादी को लेकर, तो बिना शादी का भी आपका वही हो सकता है। और दूसरा है बड़ा बड़ा टाउन सिटी में है, अब जैसे माँ पिता जिसका बच्चा है ना वो फैमिली का साथ भी एग्रीमेंट होता है,
एक साल के लिए हम दोनों पति पत्नी है ना, तो वो बच्चा का साथ भी रह सकता है और अकेला भी रह सकता है, और हस्बैंड चाहिए ना, हस्बैंड भी कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा, वो रख सकता है और एक कैसे लाइफ भी जी के देख सकता है। ज़िंदगी कुछ नहीं होता है, जीने का जो तरीका है उस तरीका अलग अलग है, तो उसमें आपको एक चीज़ अच्छा नहीं लग सकता है और हमको उसको अच्छा लग सकता है, हमको अच्छा नहीं लग सकता है आपको अच्छा लग सकता है, तो बात इसमें है फाइनल जो है। तो इसलिए हमेशा प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, सुखी से रहो, इसलिए हम हमेशा ये करते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर देना बस, आई लव यू। वो निकलने के बाद में बच्चा हो जाएगा, किसका टाइटल में नहीं दे सकते, नहीं ये चीज़ तो गलत बात है। वो लड़की जो है ना वो अपना टाइटल ही देगा, इसलिए लड़की लड़का सब बराबर है, लड़की लड़का बराबर है, नहीं है क्या? आज क्यों इसको टेंशन दिला रहे हो? इतना बड़ा गुड फादर आके इतना बड़ा एडवाइस दिया, ये सबसे ना मतलब याद रखिए। देखो जेंडर इनइक्वालिटी का बात है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल ये कोई दूसरा जगह शादी किया तो अलग बात है, शादी नहीं किया बीच बीच में ऐसे कंट्रोवर्सी सवाल भी आना चाहिए, जवाब भी होना चाहिए, इसमें डिबेट भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। नहीं हमको हम इसलिए उसको ये बात कर रहे हैं, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है जो मेरा वीडियो देख रहा है। हम जब आईएएस का इंटरव्यू देने गए ना, वो जो लेडी जो इंटरव्यू हमको देने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली में हम जब इंटरव्यू में गए हैं, हमको सवाल पूछा है तुम आईएएस ऑफिसर होने से अरुणाचल में लड़की को राइट नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता है, आप उसको कैसे राइट दिलाएगा? लेकिन हमने जवाब ऐसे दिया कि देयर इज नो रूल नो लॉ टू गिव द प्रॉपर्टी राइट टू द फीमेल चाइल्ड, हमारे पास ऐसे नियम नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल जो नियम है वो तो राइट नहीं देता है, नहीं क्या फरमाए? तो हम बोला है कि द असेंबली शुड पास ए लॉ डिक्लेयरिंग दैट द फीमेल चाइल्ड विल गेट द प्रॉपर्टी राइट, कब कहेंगे ओके? इसलिए तो आई एस मिला है ना, सही। हाँ तो अभी कानून बनाना है, लड़की बच्चा लोग को भी प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, लेकिन वही है आप एक कंडीशन रख सकता है कि अरुणाचल आदमी को शादी करना है, सही है। हम लोग तो अपना बच्चा लोग को तो देगा, आप लोग भी देगा, हम क्यों गलत बोलेगा? अभी आप लोग भी देगा अपना लड़की बच्चा को, आप लोग देगा कि नहीं देगा? देगा तो जमीन नहीं जैसे क्लोज कर देंगे।